brought to you by Techno Camon 30 series. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बीच खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वो करीब 90 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं और इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने ANI को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन, आर्टिकल 370, चुनाव के मुद्दों, इन सब पर बातचीत की। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। इसी पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इसी बात को चुनाव का एग्जिट पोल बता दिया है। उनका कहना है कि चुनाव के खत्म होने से पहले मोदी जी के बोल बदल गए हैं। तो आपको इसकी पूरी कहानी भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पहले आप जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर ANI को दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। ANI को दिए इंटरव्यू में ओडिशा में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, इसको लेकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती। अब सवाल ये कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं या फिर ओडिशा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं ओडिशा के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा और उसके लिए मेरे संबंधों की अगर मुझे बलि चढ़ानी पड़ेगी तो भी मैं तैयार हूं। उड़ीसा में अभी चुनाव होने हैं, अभी हाल में उधर आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया। अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा, उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बात को लेकर हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं को लेकर विपक्ष के दलों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने अपने लोकसभा चुनाव के पहले कहा है कि यह सबसे सटीक एग्जिट पोल है प्रधानमंत्री मोदी के बयान को। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने से पहले ही मोदी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार से बचने के लिए सभी दलों को अपना दोस्त बना रहे। उनका यह भी कहना है कि चुनाव समाप्त होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जिट पोल दे दिया है और उनके सरकार अब जाने वाली है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात ओडिशा के चुनाव पर वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर कही है। वैसे आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार नवीन पटनायक को अपना दोस्त बता चुके हैं। उनका ये बात कहना है कि सभी दलों के नेता हमारे दोस्त हैं। ये आशय ये था कि ओडिशा के पटनायक सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अच्छा काम नहीं किया है, हालांकि वो मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का यह आशय है कहने का। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ओडिशा का भाग्य बदलने जा रहा है और पटनायक सरकार की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिसको लेकर नवीन पटनायक ने पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी दिन में सपने देखने का काम कर रही है और ऐसा ओडिशा में होने वाला नहीं है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी नवीन पटनायक को अच्छे दोस्त तो बता चुके हैं, लेकिन चुनाव के बीच में दोनों के बीच में जो दरार देखने को मिल रही है, इसका लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो इन सब बातों से पर्दा उठ जाएगा कि कौन किसका दोस्त है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।